ग्वालियर से खबर आ रही है जहां चेकिंग के दौरान बाइक सवार और पुलिस में विवाद हो गया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बुजुर्ग को चांटा मारा है। इंदरगंज के उठ पुल के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो खबर ग्वालियर से जहां चेकिंग के दौरान बाइक सवार और पुलिस के बीच में विवाद हो गया। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है उसने यहां पर किस तरह से बुजुर्ग को चांटा मारा है। साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर बाइक सवार और पुलिस के बीच विवाद हुआ है। और सबसे पहले ये तस्वीरें IND24 आपके पास पहुंचा रहा है। अनिल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। अनिल, यहां बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार और पुलिस में विवाद हुआ है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा चांटा मारा गया है बुजुर्ग को, क्या है पूरा मामला? देखिए, ट्रैफिक पुलिस और जो मोटरसाइकिल चालक है उसके बीच में ये विवाद हुआ था और इंदरगंज थाना क्षेत्र के ऊंट पुल की ये पूरी घटना है जहां पर जब ये बाइक सवार बिना हेलमेट जा रहा था उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने जब रुक से रोका तो उसके पीछे जो बैठे बुजुर्ग ने उनसे बोला कि आप चालान काट सकते हैं लेकिन बदतमीजी से मत बोलिए। उसके बीच में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ जिसके बाद जो आरक्षक था वहां पर ट्रैफिक पुलिस का, उसने जो बुजुर्ग था उसमें चांटा मारा और हाथापाई की, उसके बाद गाली गलौज भी की। जो पूरे मामले के वरिष्ठ अधिकारी जांच की बात पर ये उठता है कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा इस बुजुर्ग को चांटा मारा गया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इस तरह का रवैया जो है नहीं अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल, इस संबंध में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई तो उन्होंने जांच के आदेश दिए और जांच के बाद जो सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।